करेगी, बचपन से ही भगवान का गुणगान करेगी, अंत में द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। जो इतने शब्द भीष्मक ने सुने हैं तो भीष्मक बोले हैं नारद, क्या द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे? बोले हाँ। भीष्मक बोले हैं नारद, तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। बहुत खुश होंगे। अरे खुशब कटी छाई गई तन में, नारद की बात सुनने के बाद में भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए हैं और बोले हैं नारद, जब द्वारकाधीश का नहीं है सांगन में दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा। अरे खुशब कटी छाई गई तन में, राजा खुशी भौरे अति मन में, अरे कहनी भुजा बीच भाने, नारद भरनी नहीं पहन में, नारद से समझाते हुए भीष्मक बोले, द्वारकाधीश का नहीं है आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। अब देवऋषि नारद वहां से चले गए धीरे 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 धीरे। रुक्मणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में समझदार हुई है, और जब रुक्मिणी आंगन में समझदार हुई है, एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पर बैठी हुई थी तो एक महात्मा एक ब्राह्मण देव दरवाजे से धीरे से कुछ गुनगुनाते हुए निकल गए। क्या गुनगुनाते हुए निकल गए? कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जोर रुक्मिणी ने सुना कि ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो गया तो रुक्मिणी के दिमाग में बचपन में एक दूसरी बात गूंज गई। सोचने लगी है वो रुक्मिणी, अगर ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो गया तो गुणगान करेंगे कन्हैया का, भजन करेंगे कन्हैया का, और शादी भी करेंगे तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में। दिमाग में दूसरी बात गूंज गई, सोचने लगी है वो रुक्मिणी कि सोचने लगी रुक्मिणी गई और सोचने लगी यह रुक्मिणी बहा
छोरे फिरते।